हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जो कि पिछले 6 मंथ में लगभग 60% से अधिक का रिटर्न दिया है और स्टॉक यहां से भी आगे हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो है लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे ही स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम दोस्तों आप लोगों से बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के रिगार्डिंग, अगर यहाँ पे हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तब देख सकते हो इस स्टॉक में हमें लगभग 3% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर पिछली 5 डे के चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 5 डे में भी इस स्टॉक में आप देख सकते हो लगभग 12% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पिछले 1 मंथ की बात करें तो पिछले 1 मंथ में भी इस स्टॉक में हमें लगभग 30% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बोला जा सकता है। अगर इस स्टॉक का अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में भी इस स्टॉक में हमें लगभग यहाँ पे 67% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बोला जा सकता है दोस्तों। अगर इसका हम पिछले 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 1 ईयर में भी इस स्टॉक में हमें लगभग 30% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पिछले 5 ईयर की चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लगभग 15% का अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम डे के चार्ट पैटर्न में हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 600% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा है। लेकिन अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे NSE की साइट पे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितने डिलीवरी उठे थे, कितने लोगों ने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्टॉक का नाम दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों हम इसी स्टॉक से रिलेटेड NSE की साइट पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग यहाँ पर हमें मात्र 17% का हमें डिलीवरी हमें देखने को मिला है, जो कि अच्छा खासा नहीं बोला जा सकता है दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे इसका 52 लो एंड हाई का, तो आप देख सकते हो स्टॉक लगभग जब यहाँ पे 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से स्टॉक में अगर इसका 52 लो है दोस्तों, लेकिन इसका हाई की बात करेंगे तो स्टॉक ने हाल ही में यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हाई बनाया था जो कि 73 रुपये का था। दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे इस स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके की रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक आने वाले दिनों में भी हमें इससे अच्छे प्राइस पर हमें देखने को मिल सकता है, इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तब चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। अगर यहीं इसका बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो हमें दोस्तों 1 रुपये देखने को मिल रहा है इस स्टॉक का फेस वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो कंपनी ने कितना ज़बरदस्त तरीके से जंप दिखाया है नेट प्रॉफिट के, लगभग 14,500 यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने, जो कि सारा का सारा फिगर जो है लैक्स में लाखों में है, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 46% से अधिक हमें देखने को मिल रहा है। वहीं देखेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है लगभग 2.5% से अधिक स्टॉक शेयर यहाँ पे प्रमोटर का दोस्तों प्लेस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास नहीं है। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों मैं आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो के लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे ही स्टॉक लेकर आता हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर का, तो यहाँ पर देख सकते हो तीनों के तीनों इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पर हमें वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है, जो कि मूविंग एवरेज एंड टेक्निकल इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज क्रॉसवर्ड, तीनों के तीनों इंडिकेटर यहाँ पे हमें वेरी बुलिश देखने को मिला है। यहाँ से हमें इस स्टॉक में अभी भी हमें रैली देखने को मिल सकता है। हालांकि इस स्टॉक में जिस तरीके का रैली दिया है, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगा। अब चाहो तो एवरी प्रॉफिट बुकिंग में आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, उससे पहले एक बार खुद से रिसर्च कर लेना दोस्तों। यहाँ पे हम अब बात करेंगे इस स्टॉक का वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 22,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो का हम बात करेंगे तो यहाँ पे 16.66 देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो में दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे भी हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर
अब हम बात करते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कि कितना का सेल्स जनरेट किया था कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का सेल्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 8200 प्लस में। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, आप देख सकते हो कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखाया था। नेट प्रॉफिट की बात करें सितंबर क्वार्टर तो 175 करोड़ का यहाँ पे शो किया है। वहीं अब हम इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा हम रिजर्व एंड सरप्लस एंड डेप्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे थे। यहाँ पे जो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है आप देख सकते हो कंपनी ने जबरदस्त तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट करके रखा है। दोस्तों यहाँ पर डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास अदर लायबिलिटी 44,000 प्लस का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कंपनी के पास करेंट लायबिलिटी लगभग 27,000 प्लस में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे फिक्स एसेट से रिलेटेड, कंपनी के पास फिक्स एसेट भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हो जो कि 47,000 प्लस में है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ों में है। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे अगर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी कितने कंपनी के पास। आप देखो यहाँ पे 2020 में कंपनी के पास कैश नेट फ्लो यहाँ पे नेट कैश फ्लो लगभग 1700 प्लस का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बोला जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर का पैटर्न, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास यहाँ पे प्रमोटर के पास यहाँ पे लगभग 37% से अधिक की होल्डिंग है दोस्तों, जो कि यहाँ पे प्लेज लगभग 3.5% से अधिक हमें देखने को मिल रहा है, रफली हम बोल सकते हैं 4% का। वहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो FII की होल्डिंग भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे लगभग 0.67% से अधिक हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जबरदस्त तरीके से होल्डिंग बनाकर रखा है, आप देख सकते हो लगभग 15% के रफली हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होल्डिंग बनाकर रखा है, लगभग 14% से अबव का। अदर DII के 5.5% से अधिक की होल्डिंग है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर भी 14.5% से अधिक की लगभग 14% की होल्डिंग यहाँ पे रखा है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है अकॉर्डिंग टू आप पिछले क्वार्टर। आप देख सकते हो ये डेटा जो अवेलेबल है जून क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है और ये रहा जून क्वार्टर का। आप देख सकते हो होल्डिंग इंक्रीज किया है, यहाँ से कंपनी में हमें रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी बोली से इस स्टॉक के ऊपर। तो चलिए हम कुछ और यहाँ अब हम बात करेंगे इस स्टॉक का एक रेसिस्टेंस का और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का। जैसे कि यहाँ पे हमें 52 की हाई जो देखने को मिल रहा है, जो कि हाल ही के दिनों में इस स्टॉक में बनाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 73 रुपये का। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक इसका अगर हम एक सबसे पहले रेसिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो डेटा देखने को मिल रहा है, अगर ये स्टॉक में हमें रैली अगर फिर से देखने को मिलती है तो स्टॉक 76.82 के अगर क्रॉस करता है तो देन स्टॉक में हमें दोस्तों लगभग 80 के क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका मैं इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें, अगर इस स्टॉक ने 67.65 को अगर क्रॉस करके हमें नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो स्टॉक लगभग 60 के अप्रोक्स में आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक पीछे मुड़ के देखेगा दोस्तों। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है देन स्टॉक लगभग हमें 68 के अप्रोक्स में देखने को मिल सकता है। अगर इसको क्रॉस करके देखे तो आपको 65 और 60 के लेवल पर आते हुए स्टॉक हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक जिस तरीके से रिटर्न दिया है इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा। तो आप चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो के लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों थैंक यू, बाय।